तो मैं यहाँ पर लगातार 3 साल। क्या छोटू आपका बन गया? बन अब या नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सबका इस नए वीडियो में स्वागत है। और जितनी साफ तो आज हम दिखाएंगे कि यहाँ पे एक प्रतियोगिता हो रहा है। कॉम्बिनेशन उसी के आधार पे आर टी राजन की स्मृति में एक प्रतियोगिता कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें क्या क्या कौन कौन सा टॉपिक है वो आपको बताते हैं हम। इसमें है रंगोली, चित्रकला, क्राफ्ट और मेहंदी। ये 4 प्रतियोगिता है जिसमें प्रतिभागी लोग भाग लिए हैं, है ना। अब चित्रकला आपको हम दिखाएंगे। ये अलग अलग स्कूल से यहाँ पे बच्चे लोग भाग लिए हैं। जी भाई साहब का क्या बन रहा है? खजूर, नारियल का गाछ बन रहा है। वाह, छोटू क्या बन रहा है? घर। वाह, आई छोटू का प्रोजेक्ट देखिए क्या है, खरगोश है आपने बनाए हैं। वाह मस्त है, काफी संख्या में बच्चों ने यहाँ पे। आप अपना दिखाइए, ये क्या बनाया है? ओ झूमर, वाह वाह अच्छा। डाउन कीजिए। वाह भाई वाह, एक नंबर। खाना चाहते छोटू बन गया आपका? अरे वाह, कितना बेहतरीन यहाँ पे आप बनाए हैं रंगोली, आप देख सकते हैं। तो ये छोटू का रंगोली बन गया है, तो हम एक एक करके दिखाते हैं बच्चे लोग कैसे बना रहे हैं रंगोली। तो अपना 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 अनुसार, मतलब अपने अनुसार लोग बच्चे यहाँ बना रहे हैं। वाह बहुत अच्छा। मध और माध्यम के साथ चंद्राएं ने भाग लिया। विगत कई वर्षों से यहाँ प्रतियोगिता आयोजित हो रही है। बहुत सारे बच्चे भाग लेते हैं इसमें। दूसरा ड्रॉइंग और तीसरा हुआ था पतंग प्रतियोगिता। इसमें कौन सा मटेरियल यूज कर रहे हैं इस बनाने में? क्या है? सूजी है, सूजी को कलर करके बना रहे हैं। वाह, समय समाप्त हो गया। इधर अबीर और चावल से बना है पेंटिंग।
देखिए सूजी से बना हुआ, वाह मस्त है। प्रतियोगिता समाप्ति की हो अलग अलग जगह से बहुत सारे बच्चे मेहनत देख सकते हैं। फिर से मैं आपको याद दिला दूं कि आरती राजेश कर रहे हैं, ये यहाँ पे सबका नाम नोट हो रहा है, मैडम लोग हैं जो नाम सबका नोट कर रहे हैं। उसी के साथ आज बारे में सत्यप्रकाश राव भाई बनारस से वो पटना के रहने वाले हैं। दो मिनट के बाद उंगला हटा देना, उंगला हटा देना। आप का जो कार्ड है वो बंद कर दिया जाएगा, किसी प्रकार का पेंसिल कलर नहीं चलाया जाएगा। इसलिए दो मिनट में ही अपना काम निपटा ले, समय समाप्ति की ओर बढ़ रही है। केंद्रीय विद्यालय गरारा वहां से भी बच्चे हैं, भारतीय शिक्षा संस्थान गरारा यहां से भी बच्चे हैं। भारतीय शिक्षा संस्थान गरारा बाड़ो। तो मैं यहाँ पर लगातार 3 साल से प्रैक्टिस करते आई हूँ पेंटिंग के लिए। जब मैं फर्स्ट टाइम आई थी तो मुझे 4th प्लेस मिला था, जब मैं सेकेंड टाइम आई तो 3rd प्लेस मिला था, और मैं जब 3rd टाइम आई तो 2nd मिला, और जब मैं इस बार आई तो मुझे 1st प्लेस मिला। और मैं अपने इस रिजल्ट से बहुत खुश हूँ, और मैं बात करना चाहूंगी कि आप लोग का भले ही आप जिस मुकाम को हासिल करना चाहते वो मिले या ना मिले, पर अपने हौसला को हमेशा जाहिर रखें और दिखाते रहें। धन्यवाद। देखिए ये है इंस्पायर, ये इनका पेंटिंग के कारण इनको कौन सा प्राइज मिला, फर्स्ट प्राइज मिला है। कितना खूबसूरत इनका पेंटिंग है आप देख सकते हैं, इसी कारण इनको फर्स्ट प्राइज मिला है। बहुत अच्छा, इनको भी इनका पेंटिंग के कारण इनको प्राइज मिला है। तो पूछते हैं कौन सा प्राइज मिला है। सेकंड प्राइज, द्वितीय प्राइज इनको मिला है, सेकंड प्राइज इनको मिला है। बहुत अच्छा, इनका पेंटिंग भी बहुत अच्छा है। इधर जजेज को मंच पे सम्मान को बुलाया जाए। तो इनका भी पेंटिंग में फर्स्ट प्राइज मिला है। इनका पेंटिंग हम आपको दिखा देते हैं, कितना खूबसूरत पेंटिंग इनका है, देख लीजिए। वही रंगोली, इनका रंगोली इनका देखिए कितना बढ़िया है, जिसके कारण इनको फर्स्ट प्राइज मिल दिया गया है। इन लोगों ने रंगोली में अपना प्राइज जीते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।